यहाँ पे आज आप देख रहे हो ये चार पार्ट पड़े हुए हैं, चार प्रकार के, एक दो तीन और चार। ये चारों पार्ट एक ही नाम से जाने जाते हैं जिसे हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। और ट्रांजिस्टर का क्या काम होता है आज हम ये समझेंगे, और ये इसको चेक कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं, ये खराब है या सही है, और इसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में जानेंगे। जहाँ पे आप देख रहे हो ये दो प्रकार के ट्रांजिस्टर हैं, एक ये बड़े वाला और एक बिल्कुल छोटे वाला, लेकिन इन दोनों के काम एक ही हैं और पावर भी एक जितनी है और नंबर भी एक ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये हम पीसीबी के होल में लगाते हैं और ये पीसीबी के ऊपर, इसे हम एसएमडी बोलते हैं, ये पीसीबी के ऊपर लगा रहता है, लेकिन काम इन दोनों के एक ही हैं। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो इसे हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर के भी दो प्रकार होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। आज हम एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में ही बात करेंगे। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो सिंबल होता है कुछ ऐसे होता है, ये तीर साइड जो निशान देख रहे हो तीर की तरह, इस साइड एमिटर होता है, इस साइड को हम कलेक्टर बोलते हैं, और ये बेस होता है। इन तीनों की अलग आइडेंटिफिकेशन है तीनों पिनों की। जैसे ये एक ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन है, तो इसका जो बीच का पॉइंट है, बीच वाला सेंटर वाला बेस, और इस साइड ये एक कलेक्टर है, बीच में बेस है और साइड में एमिटर है। और इसको हम एमिटर को शॉर्ट में हम ई बोल सकते हैं, कलेक्टर को शॉर्ट में हम सी बोल सकते हैं, सी बोलेंगे, और बेस को हम शॉर्ट में बी बोलेंगे। बेस, मीटर और कलेक्टर, इसी तरह ये ट्रांजिस्टर के अलग अलग पिनों के अलग अलग नाम है। और ऐसे छोटे वाला ये होता है जो ट्रांजिस्टर, छोटा साइज एसएमडी, इसका ये बेस साइड है, ये पिन, इस साइड की पिन है मीटर, और जो सेंटर की पिन है ये कलेक्टर। पीएनपी में भी और एनपीएन में भी सेम ही रहेंगे। और बहुत सारे नंबर ऐसे भी हैं जिनकी पिन अलग अलग होती हैं, जैसे ये बीसी 547 इस ट्रांजिस्टर का नंबर है, और अलग अलग नंबर होते हैं जैसे S8050 उसकी पिन अलग होगी, कलेक्टर की जगह मीटर, मीटर की जगह कलेक्टर, बेस बीच में ही रहेगा। तो इसके आगे चलते हैं। अब इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं मीटर से, तो टेस्टिंग इसकी ऐसी है, इसके नाम से ही हमारी टेस्टिंग हो जाती है। जैसे जो N है मीटर को, हम N लेते हैं, P हम बेस को लेते हैं, और N फिर कलेक्टर को लेते हैं। यहाँ पे हम मल्टीमीटर का पॉजिटिव रखेंगे तो इन मीटर और कलेक्टर पे कंटिन्यूटी आएगी। जेकर उल्ट कर दें, बेस पे हम नेगेटिव रखें, मीटर पे हम पॉजिटिव रखें, तो कंटिन्यूटी नहीं आएगी। फिर कलेक्टर पे पॉजिटिव रखें तो कंटिन्यूटी नहीं आएगी। एक बार हम मल्टीमीटर से चेक करके दिखाते हैं। ये हमने मल्टीमीटर लिया और इसको हमने डेड रेंज में रखा, और ये हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और ये साइड है जो एमिटर, ये साइड है कलेक्टर, और बीच में बेस।
तो बेस पे हम रखते हैं पॉजिटिव, तो ये ट्रांजिस्टर के हमने बेस पे पॉजिटिव रखा, मीटर का रीडिंग आ रही है 0.7 और कलेक्टर से हम नेगेटिव लगा रहे हैं तो रीडिंग आ रही है 0.7, मीटर पे लगा रहे हैं नेगेटिव 2.7, तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं है, ओके है। जेकर बिल्कुल उल्ट चेक करेंगे, बेस पे हम नेगेटिव रखेंगे और कलेक्टर पे हम पॉजिटिव रखेंगे तो कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, तो ये नहीं आ रही। और एक टेस्ट, इसकी चेक करने का एक तरीका और है, ये ट्रांजिस्टर है जैसे, इसके मीटर पे हमने नेगेटिव रखनी है और कलेक्टर पे हमने पॉजिटिव रखना है और बेस को ट्रिक कराना है पॉजिटिव से, पॉजिटिव से हमने ट्रिक करना है बेस पे, दोनों को थोड़ा सा सिग्नल देंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। तो ये सही ट्रांजिस्टर की एक पहचान है। तो आगे इसके बारे में जानते हैं, ये काम कैसे करते हैं और हम इसे कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। NPN ट्रांजिस्टर को यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं और NPN ट्रांजिस्टर का मीटर ग्राउंड होता है। ज़्यादातर सर्किटों में जो ये यूज़ किया जाता है स्विच के लिए, और कुछ सर्किटों में ये यूज़ किया जाता है स्विचिंग के लिए। तो पहले हम बात करेंगे स्विच की, स्विच कैसे यूज़ करते हैं। तो स्विच के रूप में जेकर ट्रांजिस्टर को यूज़ किया जाए NPN को, तो उसका जो मीटर होगा वो ग्राउंड रहेगा और कलेक्टर पे किसी भी लोड के थ्रू पॉजिटिव मिलेगा। जैसे ये एक रिले का सिंबल है, जब इस बेस पे और NPN ट्रांजिस्टर के बेस पे मैक्सिमम 0.7 वोल्ट मिलेंगे, मैक्सिमम जेकर 0.7 वोल्ट मिलते हैं तो ये एक्टिव होता है। एक्टिव होने से ये कोई भी जो लोड लगाया, जैसे यहाँ पे हमने रिले लगाई है, तो रिले को पॉजिटिव करंट और नेगेटिव मिल जाएगा, तो ये रिले ऑन हो जाएगी। और जेकर जहाँ पे करंट 0.7 से कम मिलता है, मान लो 0.4 मिलता है, तो यहाँ पे जो पास होगा नेगेटिव करंट वो कम होगा। मान लो यहाँ पे अभी 12 वोल्ट है और ये ग्राउंड माइनस, ये प्लस 12 वोल्ट और ले के बीच में घूम के ये कलेक्टर पे जा रहा है। जेकर यहाँ पे 0.4 वोल्ट मिल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ करंट पास होगा, जैसे यहाँ पे रह जाएगा 7 वोल्ट लगभग, तो ले पूरी तरह एक्टिव नहीं होगी। तो स्विच के लिए ज़्यादातर ये सर्किट यूज होता है। और स्विच के लिए एक सर्किट और भी यूज होता है NPN में, उसका तरीका ये रहेगा। और NPN के बेस पे मैक्सिमम 0.7 वोल्ट ही मिलेंगे, ये याद रखना आपने। और यहाँ पे ये अभी कलेक्टर इस पोजीशन में, ये कलेक्टर को डायरेक्ट वोल्ट मिलेंगे, डायरेक्ट पॉजिटिव वोल्ट मिलेंगे। मान लो 12 वोल्ट की एक सप्लाई है, नेगेटिव और पॉजिटिव। और इस स्विच सर्किट में ये पॉजिटिव कलेक्टर को सीधे मिलेगा और मीटर पे कोई लोड लगा रहेगा, और लोड जो सीधा ग्राउंड होगा, मतलब नेगेटिव वोल्ट मिलेंगे। जब बेस पे 0.7 वोल्ट होंगे तो ये लोड एक्टिव होगा और काम करेगा, जैसे इस सर्किट में भी हमने रिले लगाई है। तो जब ये 0.7 वोल्ट आएंगे, इस कंडीशन में भी ये सर्किट वर्क करेगा। तो इस तरह के सर्किट हर एक किसी ना किसी सर्किट में यूज़ होते हैं, जैसे एसी में, वॉशिंग मशीन में, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें इस तरह के सर्किट यूज़ होते हैं, जो पहले दिखाया था वो भी और ये भी। और जेकर हम स्विचिंग की बात करें, स्विचिंग मतलब यहाँ पे 0.7 की जगह ओनली वोल्ट नहीं आएंगे, उसमें
कुछ वेव्स रहेगी, फ्रीक्वेंसी रहेगी, जैसे स्केयर वेव है ये, इसमें ऑन टाइम और इसमें ऑफ टाइम और ऑन टाइम अलग अलग होगा, तो उस कंडीशन में ये स्विचिंग होती है इन ट्रांजिस्टर में, तो वो कुछ ऐसे सर्किट होते हैं यूज करते हैं। उस कंडीशन में नेगेटिव मीटर है जो वो ग्राउंड रहेगा, और जहाँ पे कलेक्टर पे किसी रेजिस्टेंस के जरिए वोल्ट मिलेंगे, जैसे 5 वोल्ट मिलेंगे, ज़्यादातर माइक्रो कंट्रोल पीसीबी होती है, जैसे वॉशिंग मशीन, एसी, कुछ भी एनीमोर, उसमें 5 वोल्ट कलेक्टर पे किसी रेजिस्टेंस के थ्रू जाएंगे, तो 5 वोल्ट के लिए ज़्यादातर यूज होती है 4K7 रेजिस्टेंस, और ये जो आगे यूज होगा ये माइक्रो कंट्रोलर की पिन पे ये इनपुट के लिए यूज होगा। अब यहाँ पे जब स्विचिंग होगी, ऑन ऑफ होगा, तो ये 5 वोल्ट मिल रहे हैं जो ये आधे रह जाएंगे। जेकर ऑफ टाइम ज़्यादा है, ऑन टाइम कम है, ऑफ टाइम ज़्यादा है, ऑन टाइम कम है, तो 2.5 वोल्ट से भी कम होंगे, मान लो 1.5 वोल्ट होंगे इस कलेक्टर पे। जेकर ऑन टाइम ज़्यादा है, ऑफ टाइम कम है, तो ये वोल्टेज ज़्यादा होंगे, मान लो 3.5 वोल्ट। ये डिपेंड करता है इस फ्रीक्वेंसी पे जो यहाँ बेस पे सिग्नल मिलेगा। तो स्विचिंग में एक तो ये सर्किट ज़्यादा यूज होता है, और दूसरा इसके बिल्कुल उल्ट, जैसे स्विच में यूज होता है उसी तरह स्विचिंग में भी यूज होता है। तो ज़्यादातर स्विचिंग के लिए 2 ट्रांजिस्टर भी यूज़ किए जाते हैं और 1 ट्रांजिस्टर भी यूज़ किया जाता है। पीएनपी में भी ऐसे ही यूज होता है और एनपीएन में भी ऐसे ही यूज होता है। तो इस पर अभी बहुत, तो इसका ये कुछ हिस्सा मैंने अभी वीडियो में बताया, तो आगे की वीडियो में और जानकारी मिलेगी, तो देखते रहिए। ये जो आप बेसिक की वीडियो देख रहे हैं, ये बेसिक की वीडियो नॉर्मल बेसिक नहीं है, ये आपके हर किसी सर्किट में ये जानकारी काम आएगी, तो इसे ध्यान से देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही था, आगे की वीडियो में इसकी और भी जानकारी देंगे, तो देखते रहिए, बने रहिए वीडियो तक।